It's 3 PM. समा हेडलाइन आप तक पहुंचाने में ताबुन किया है नया सर्फ एक्सेल, जो दे मुश्किल दागों की 100% सफाई, ज्यादा तेज। सर्फ एक्सेल। मुल्क की दूसरी बड़ी मादर इल्मी के इलेक्ट्रिक की बड़ी नादहिंदा निकली। 8 करोड़ रुपए की अदम अदायगी पर जामे कराची की बिजली काट दी गई। यूनिवर्सिटी का 70% हिस्सा बिजली से महरूम। तालीमी और तहकीकी सरगर्मियां शदीद मुतासर। नेपरा के आवाम को बिजली के पे दर पे झटके, सारफीन की चीखें निकल गईं। पहले बिजली 4 रुपए महंगी की, अब 61 अरब रुपए का एक और बोझ डाल दिया गया। तरसीली चार्जेस के नाम पर वसूल किए जाएंगे। बाइकॉट कर दिए और वरना महंगे हम खरीद नहीं सकते। सस्ते टमाटर नहीं तो खरीदेंगे भी नहीं। कराची के बाद महंगे टमाटरों के बाइकॉट की मुहिम जोर पकड़ने लगी। खवातीन खाना ने दही और इमली का इस्तेमाल शुरू कर दिया। दाम कम के नाम पर खरीदारों से तकरार। सब्जी फरोशों ने भी टमाटर रखने बंद कर दिए। महंगाई की वजह से नहीं रखा हुआ टमाटर, दूसरे ग्राहक आते हैं परेशान करते हैं कि इतना महंगा है कैसे हांडी में डालें, ये सो परेशानी, सर का दर्द है, हम टमाटर रख ही नहीं रहे। बेगम कुलसुम नवाज की तबीयत नासाज हो गई, अस्पताल में दोबारा दाखिल कर दिया गया। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा डॉक्टर तबीयत बेहतर करने की कोशिश में मसरूफ हैं। नवाज शरीफ रायविंड से मॉडल टाउन पहुंच गए। आमदनी 98, खर्चा रुपया। असासजात रेफरेंस में सागदार पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। बेनामी अकाउंट, असास से और मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम शामिल। रिश्तेदारों के नाम पर भी प्रॉपर्टी और बैंक अकाउंट्स मौजूद। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार। नैब ने 28 गवाहान की फहरिस्त पेश कर दी। समाअत 4 अक्टूबर तक मुलतवी। एक और अहम पेशी, एक बार फिर बदनज़मी। नैब अदालत के बाहर ड्रामाई सूरत हाल। पुलिस ने मरकजी गेट पर ताले लगा दिए। साखदार को भी एंट्री नहीं मिल सकी। अकबी रास्ते से अदालत में जाना पड़ा। वीआईपी मुलजिम के लिए आम मुलजमान को रोक दिया गया। हुकूमती दबाव या सच छुपाने की कोशिश। मीडिया को साखदार के खिलाफ रेफरेंस की कवरेज की इजाजत ना मिल सकी। वकला के लिए भी अदालत के दरवाजे बंद। कई वकला और सहाफियों का कमांडो एक्शन, गेट फ्लांक कर अंदर दाखिल होने की कोशिश। वकला ने दमादम मस्त कलंदर की धमकी दे दी। बार और बेंच का काम है, इंतजामिया का नहीं है। अगर नहीं तो बिल्कुल दमादम मस्त कलंदर होगा, बिल्कुल होगा, आपको बता रहे। कहते हैं अंदर जाने की इजाजत नहीं है। सुबह 8 बजे की हम दलील हो रही है गेट के ऊपर, जाती केस है हमारा। अब केस पे पेश नहीं होंगे तो ये मीडिया और वकला ही नहीं, कस्टम, एफआईए और एटीसी अदालतों में पेशी पर आने वाले साइलिन भी रुल गए। इस आगदार की पेशी खत्म होने के बाद भी अदालतों में जाने की इजाजत नहीं मिली। 5 घंटे तक रुलते रहे। थाईलैंड में भी करप्शन के खिलाफ अदालत का बड़ा फैसला। चावल सब्सिडी स्कैंडल में साबिक वज़ीर-ए-आज़म यंगलक चिनावत्रा को 5 साल कैद की सजा सुना दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सजा गैर मौजूदगी में सुनाई। चिनावत्रा 1 माह कबल बैरून मुल्क चली गई थी। कौमी असेंबली में हिज्बे इख्तलाफ की तब्दीली का मिशन। शाह महमूद कुरैशी को खुद पीटीआई में इख्तलाफ का सामना। एमक्यूएम की शराइत पर अरकान असेंबली को तहफुजात। इमरान खान को अपोजिशन लीडर बनाने की तजवीज पेश कर दी। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस का फैसला 12 अक्टूबर तक टल गया। मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने के बाद मुलतवी किया गया। शिद्दत पसंद अनासिर पर काबू पाने के लिए डू मोर के मुतालबे से मुत्तफिक हैं। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का अमरीका में सिविल और अस्करी क्यादत के मौकफ के बरखिलाफ बयान। कहा पाकिस्तान और पड़ोसियों के लिए बोझ बनने वालों को खत्म करना होगा। सोवियत यूनियन के खिलाफ अमरीका का साथ देने को संगीन गलती करार दे दिया। कहते हैं पाकिस्तान खुमियाजा अब तक भुगत रहा है।
अमरीकी वजीर दिफा की आमद के बाद काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेटों की बारिश, 30 से 40 रॉकेट फायर किए गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जेम्स मैटिस की अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। ऑपरेशन रद्दुल फसाद के बाद फूलों के शहर में अमन की महक, दहशतगर्दी के वाकयात में 70% कमी हो गई। सीटीडी के मुताबिक 3 माह से कोई बड़ा वाकया पेश नहीं आया। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने बेनजीर कत्ल केस में पीपल्स पार्टी की फरीक बनने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। सजा याफ्ता पुलिस अफसरान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। रुकने कौमी असेंबली जमशेद दस्ती ने कानून के मैदान में भी कदम जमाने की ठान ली, LLB के लिए निजी कॉलेज में दाखिला ले लिया। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज अबुधाबी में ट्रॉफी की रुनुमाई, 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच कल शुरू होगा। कप्तान सरफराज जीत के लिए पुरअज़्म, अजहर अली वन डाउन और असद शफीक चौथे नंबर पर बैटिंग करेंगे। सऊदी अरब में खवातीन को गाड़ियां चलाने की इजाजत मिल गई, शाह सलमान का फरमान जारी। 27 साल बाद गाड़ियां ड्राइव करने पर सऊदी खवातीन में खुशी की लहर दौड़ गई। और दिलकश वादियां, बर्फ से ढकी चोटियां तो कहीं रेगिस्तान, कुदरती हुसन से मालामाल, ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान। आज सियाहत काल में दिन मनाया जा रहा है। जल्दी चलो स्कूल में, क्या चलो